नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी, आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसका नाम है REPL 30 नंबर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में हम पेशेंट को देते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या डोज लेनी चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, REPL 30 नंबर हम वोट्स में देते हैं, कॉन्स में देते हैं। कॉन्स जो हमारे पैर के तलवे पर निकल जाते हैं, वोट्स की बात करें तो टिप ऑफ फिंगर्स और टिप ऑफ नोज पर अगर वोट्स निकले हों तो उसमें ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा हम इसे पॉलिप्स में देते हैं, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंडुलर वोट्स में हम इसे पेशेंट को देते हैं, और इसके अलावा अगर जेनिटल पार्ट्स पर पेशेंट को वोट्स निकले हुए हों तो उसमें हम इसे पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, शरीर पर कहीं भी अगर नोकदार मुलायम मस्से निकले हुए हों और जिनका साइज बहुत बड़ा हो तो उसमें भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसमें कॉम्पोजिशंस की बात करें तो कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिंस डाली गई हैं जो हम वोट्स और कॉन्स या फिर पॉलिप्स में पेशेंट को देते हैं। जैसे कोस्टिकम, इसमें एक दवाई डाली गई है कोस्टिकम, फीट पे अगर पैर के तलवे पर पेशेंट को अगर कॉन्स निकल जाए और उसमें जलन हो, दर्द हो, तो उसमें अगर पेशेंट को दर्द हो तो उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम वोट्स में भी देते हैं, यानी मस्सों में भी देते हैं। मस्से अगर पेशेंट को नेक पर निकले हुए हों, काफ़ी सारे गुच्छे में हों, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है, खासतौर पर महिलाओं में। दोस्तों, इसके अलावा थूजा, इसमें एक दवाई डाली गई है थूजा, बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है किसी भी टाइप के मस्से के लिए और शरीर पर कहीं भी हो। थूजा प्राइमरी दवाई रहती है, सबसे बेसिक दवाई है मस्सों के लिए होम्योपैथी में, वो भी इसमें डाली गई है। अगली दवाई इसमें फेरम पिक्रिकम डाली गई है, जो कि मल्टीपल वोट्स और कॉन्स में हम पेशेंट को देते हैं। अगली दवाई इसमें नाइट्रिक एसिड डाली गई है, जो कि वोट्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा अगर ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाए तो उसको कम करती है, खासतौर पर जिन मस्सों से पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, यानी खून बहता हो, तो उसमें ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इस दवाई से ब्लीडिंग भी रुकती है और पेशेंट के वोट्स भी ठीक होने लग जाते हैं। इसमें एंटीम क्रूड डाली गई है, ये दवाई कॉन्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को पैर के तलवे पर कॉन्स निकल जाए, उसमें जलन हो, गर्माहट महसूस होती हो, दर्द रहता हो, या फिर पेशेंट को अगर मस्से निकले हुए हों, तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। ये सारी दवाई मिलकर हमारे शरीर में जो भी वोट्स यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है मस्सों की, या इसके अलावा अगर पेशेंट को ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाए या कॉन्स हो, तो उन सबको ये दवाई ठीक करती है। पॉलिप्स में भी असरदार रहती है, मस्से ऐसे जिनसे पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, यानी खून भी बहता हो, तो उसको भी रोकती है और मस्से को भी ठीक करती है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं। डोज सभी की अलग रहती है, बच्चों की अलग रहती है और अडल्ट की अलग रहती है, और पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि कब से पेशेंट को मस्से निकले हुए हैं या कॉन्स हैं। तो इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। इसे दिन में 3 बार दिया जाता है और लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स इसकी अडल्ट्स में दी जाती है, 5 से 10 बूंदे इसकी बच्चों में दी जाती है। इस दवाई के लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिल ले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएँ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।